हेलो फ्रेंड्स, यो यो रेसिपी से मैं प्रीति गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की टिक्की, जिसे आप व्रत में खा सकते हैं या बिना व्रत के भी इसको बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। साबूदाना 1 कप, उबाल के छील के कद्दूकस किए हुए आलू 3/4 कप, हरी मिर्च कटी हुई 5 से 6, हरा धनिया कटा हुआ 1/2 कप, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट स्वाद अनुसार, काला मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, मूंगफली का तेल तलने के लिए। तो आइए अब हम साबूदाने की टिक्की बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए हमने ये देखिए साबूदाने को तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगा दिया था और उसका पानी निकाल के हमने उसको छलनी में ही छोड़ दिया था ताकि उसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद हमने उसे एक बाउल में डाल लिया। और ये देखिए, हमने जो ये आलू लिए हैं, आलू को हमने पहले से ही उबाल के, इनको छील के, इनको हमने ग्रेट कर लिया है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और ये हमारे आलू भी तैयार हैं। तो अब हम इससे टिक्की बनाएंगे। ये देखिए, हम उबले हुए आलू जो हमने कद्दूकस किए हुए हैं, इसके अंदर अब हम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। और अब जो हमने साबूदाना भिगा के रखा हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें व्रत में खाने वाला नमक, जिसे सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, उसको हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने साबूदाने के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद हम इनको अच्छे से मुट्ठी बना लेंगे, जिससे कि हमारी टिक्की जो है वो अच्छे से बाइंड हो जाए। और उसके बाद हम इसे हथेली के बीच में गोल करके इसको टिक्की का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम हाथों के बीच में घुमा के इसको टिक्की का शेप देंगे। ये और इसी तरीके से अब हम सभी टिक्कियों को बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें टिक्की छोड़ देंगे। व्रत की टिक्की बनाने के लिए हमने इसमें मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो तिल का तेल या सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी व्रत में खाया जाता है, लेकिन हमने अभी इसमें मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, हमने सभी टिक्कियों को इसमें डाल दिया है और अब हम इन्हें दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए, हमारी टिक्कियाँ अच्छे से सिक गई हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कितना ही अच्छा कलर आया है। और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से अब हम सभी टिक्कियों को तल लेंगे। ये देखिए, हमारी साबूदाने की टिक्की बनके तैयार है। आप इसे हरी चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।